पंजाब कैंटोनमेंट में बदतरीन शिकस्त, पीटीआई गर समझे जाने वाले हलकों में भी बदतरीन कारकर्दगी। नून लीग का क्लीन स्वीप, पंजाब हुकूमत पर बड़ा सवालिया निशान। वजीर आजम बरहम आज लाहौर पहुंचेंगे, वजीर आला पंजाब कैंटोनमेंट इलेक्शन पर रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। वजीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी डोलने लगी, बेअमनी और करप्शन के संगीन इल्जामात। अपोजिशन का तहरीके अदम एतमाद में नाराज, हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। जाम कमाल ने इत्तेहादियों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजीर आला कहते हैं जिस दिन पार्टियों और इत्तेहादियों ने अदम एतमाद किया खुद घर चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तवज्जो साफ और शफाफ इलेक्शन पर दे। सेनेट इंतखाब में धांधली रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इकदाम नहीं किए, फर्रुख हबीब बरस पड़े। कहा बात शफाफ इलेक्शन की होती है और बहस किसी और जानब ले जाते हैं। ऐसे ट्वीट आते हैं जिससे लगता है इस्लाहात की मुखालफत की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक पर खामोशी नजर आ रही है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू ना करे, इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान, नैयर बुखारी बोले इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन का मौकफ आइन और कानून के मुताबिक है, हुकूमती इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादिम है। शेर रहमान ने कहा हुकूमत जमहूरियत और इदारों के साथ टकरा रही है। जर्मनी समेत दीगर ममालिक में ईवीएम कामयाब नहीं हो सकी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, मजीद 73 अफराद प्यारों को रोता छोड़ गए। मजमूई अमवात 26,938 हो गई। 2,714 नए केस रिपोर्ट, शरह 4.78% रही। कराची में 7 अमवात। कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर पाबंदियां सख्त, कल से सिंगल डोज वैक्सीनेशन ना कराने वाले ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे। पेशावर में तमाम तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियों की इजाजत होगी। मजहबी मकामात कल से खुल जाएंगे। हुकूमत की फिर पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा की समरी वजारत खजाना को अरसाल, हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपये, पेट्रोल 1 रुपये और मट्टी का तेल मजीद 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से हतमी फैसला कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 1 माह में दूसरी बार टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालिक गुफ्तगू, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था दुनिया अफगान आवाम को इस अहम मोड़ पर तन्हा ना छोड़े, अफगानिस्तान से मुतालिक किरदार अदा करे। रूसी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को रूस के दौरे की दावत भी दी। अलकायदा ने अफगानिस्तान में फिर सर उठा लिया, मुमकिन नकलो हरकत के इशारे मिलना शुरू हो गए। 1-2 साल में अमरीका एक और हमले की सलाहियत हासिल कर लेगी, अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा खुफिया सर्विसेज अलकायदा की अफगानिस्तान में मुमकिन मुंतकली पर नजर रखे हुए हैं। CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर डेविड कोहन का कहना था कि शवाहिद हैं अस्करियत पसंद अफगानिस्तान मुल्क आ रहे हैं। समंदरी हवाएं बंद, सिब्बी जैसी तपिश, लाहौर जैसा हब्स, कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। शहर में सूरज आज भी कहर ढा रहा है, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में 16 से 18 सितंबर तक बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर और मुहल्लिका इलाकों में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ का बैरून मुल्क इलाज, रवानगी के इंतजामात मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। बेटे जव्वाद उमर कहते हैं वीजा जारी होते ही वालिद को अमेरिका रवाना कर दिया जाएगा। उमर शरीफ के डॉक्टर्स के मुताबिक इलाज में 1 हफ्ता लग सकता है।
रमीज राजा का पहला बड़ा इकदाम, 191 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। 11 के ताल्लुक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से है। ए प्लस कैटेगरी के 10 खिलाड़ियों की तनख्वाह 2.5 लाख, ए कैटेगरी के 40 खिलाड़ियों की तनख्वाह 1,85,000 रुपए हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, कौमी टीम आज शाम रावलपिंडी में प्रैक्टिस करेगी। वनडे के लिए टिकट्स की फरोख्त जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।